कोई भी जाना था, उसके लिए हम रियली वेरी सॉरी। और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें होती गई और हमारी क्लास नहीं हो पाई लास्ट वीक, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था मोसेस और जीसस, मतलब मूसा और यीशु मसीह के कंपैरिजन के बारे में, उनकी कनेक्टिविटी के बारे में कि वो दोनों कितने ही सिमिलर हैं और कितने ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब मूसा के बारे में हमने पढ़ा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मूसा ने लोगों को लाल समंदर पार कराया। अब जब लोग वहां से निकले तो वहां पे उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आई। ठीक है, जब हम देखते हैं निर्गमन की किताब में तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक लाइफ में, एक मतलब आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है चलिए, ठीक है ये ठीक है, इस लाइन को हम कह सकते हैं लाइफ। ठीक है, हमारा जीवन ये है हमारी स्टार्टिंग और ये है हमारा एंड, तो हम अदर वर्ड में डेस्टिनी भी कहते हैं। जब हम लोग किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी बार हमें पता नहीं होता कि हम डेस्टिनी तक या आखिर तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन हमने स्टार्ट तो कर दिया। ठीक है, जब हम अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा ही होता है कि हम दो बंदों से स्टार्ट करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ तक प्रभु हमें लेके जाए। वैसे ही जब निर्गमन हम लोग पढ़ते हैं तो निर्गमन का मतलब होता है कुछ करना, मतलब स्टार्ट करना, बिगिन करना किसी चीज। तो उन लोगों ने अपनी डेस्टिनी को जाने के लिए तैयार तो हो गए, वहां से उन्हें स्टार्टिंग तो कर दी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो कब अपनी डेस्टिनी को पहुंचेंगे और क्या क्या मुसीबतें, क्या क्या गवाहियां या क्या क्या आश्चर्य कर्म अपनी जिंदगी में वो देखेंगे इस 40 साल के अंतराल में। ठीक है जी, हाँ, तो उन्होंने स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में क्या हुआ, जाते ही जैसे ही वो सेना पड़ी हुई है और लाल समंदर आ गए, ठीक है, कठिनाइयों के साथ उन्होंने एक चीज को स्टार्ट किया। ठीक है, पहली चीज आ गई रेड सी और फिरौन की आर्मी, ठीक है, फैरोज आर्मी, ठीक है जी, दोनों जगह मौत है। ठीक है, पानी में जाएंगे तो पानी कड़वा है, ठीक है, बच नहीं सकते, मछलियां खा जाएंगी, और समंदर है तो सोच सकते हैं बहुत डीप है, ठीक है, गहराई है उसके अंदर, तो बच नहीं पाएंगे। अगर उसी जगह पे रहते हैं तो फिरौन की जो सेना है, फिरौन की जो आर्मी है, वो उनको मार देगी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बोला कि अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा, अगर तू ये चाहे, अगर मैं, तू मेरी बातों पे विश्वास करेगा कि मैं तुझे यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो तू वहाँ से निकल जाएगा। मूसा ने उन परमेश्वर पे विश्वास रखा और मूसा के विश्वास के द्वारा सारे लोग लाल समंदर से पार होने पाए और फिरौन की सेना उनका कुछ भी हानि नहीं करने। ठीक है जी, तो पहली जो थी चीज़ वो थी एक डिफिकल्टी। ठीक है, चलो वहां से वो लोग निकले, वहां से निकलने के बाद क्या हुआ, वो उस जगह पे जाने के लिए स्थान पे पहुंच गए, अभी डेस्टिनी पे नहीं पहुंचे, अभी जस्ट पहला हर्डल पार किया है, पहला पड़ाव पार किया है। और पहला पड़ाव क्या था, इतना मुश्किल था कि लग रहा था कि पहाड़ नहीं टल सकता, हम लोग इसको पार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने उस चीज को पार किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबको वो स्टोरी पता है कि मूसा ने अपने रॉड को उठाया, अपने डंडे को उठाया, बोला कि परमेश्वर यीशु के नाम से मेरे पास जो भी है, मैं विश्वास करता हूँ, वो इस पानी को खोल और मेरे रास्ता निकल गया। ठीक है, जब ये लोग पार हो गए तो फिरौन की सेना वहीं पे मर के खत्म हो गई। ठीक है, जब ये सूखी भूमि पे पहुंच गए, ठीक है जी, दूसरा काम क्या किया इन्होंने, वहां पे जाके एंजॉय किया कि हम मौत की गुलामी में से निकल गए। ठीक है, अभी सिर्फ निकले हैं, वहां डेस्टिनी पे पहुंचे नहीं है, सिर्फ निकलने पे इन्होंने रिजॉइस किया, मतलब खुशी मनाई कि वाह, परमेश्वर ने हमें वहां से निकाला, अब हम वहां से निकल चुके। ठीक है, तो दूसरी चीज इन्होंने क्या किया, एंजॉय किया, एंजॉय बोल लो, रिजॉइस कर लो, कुछ भी बोल। ठीक है जी, चलो अब तीसरा क्या हुआ, वहां से निकले, अभी यहां से निकलने के सिर्फ 3 दिन बीते हैं, 3 दिन बीतने पे इनके साथ एक घटना हुई।
इनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, पानी खत्म हो चुका है, और वहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं मिल रही जहाँ पे पीने का साफ शुद्ध पानी हो, मीठा पानी। तो इन्होंने क्या किया कि ये परमेश्वर की ओर और मूसा की ओर बुड़बुड़ाने लग गए कि तू क्या हमें मारने के लिए ले आया, यहाँ तो पानी भी नहीं है हमारे पीने के लिए, पीछे समंदर है, हम क्या समंदर का पानी पिए, हम क्या मर जाएं, हम ये करें हम वो करें। तो जब वहाँ पे उस जगह पे पानी नहीं मिला तो उस जगह का नाम उन्होंने रखा मारा, ठीक है जी, MARAH मारा, जिसको हिंदी में कहते हैं कड़वा पानी या द बिटर वाटर, ठीक है जी। मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में पढ़ने के लिए, आप में से किसी ने पढ़ा? अगर पढ़ा तो अपना माइक खोलिए और मुझे बताइए कि आपको मारा से क्या समझना है, मारा क्या है। ये चारों चैप्टर इसी के ऊपर चल रहे हैं। कुछ पता है कि मारा क्या है? इससे पहले आपने पढ़ा हो मारा के बारे में कि मारा क्या होता है, मारा का मतलब क्या है और क्यों वो पानी कड़वा था, कोई बताना चाहेगा या आपको जो समझ में आ रहा हो आप आइए। मैं बोलूं फिर? हाँ ठीक है, चलो मैं ही बता दूं। मारा का मतलब जैसे मैंने आपको बताया द बिटर वाटर, मतलब कड़वा पानी, ठीक है। अभी तक की बात करें तो जो परमेश्वर लाल समंदर को दो भाग में कर सकता है, क्या वो अपने लोगों को मीठा पानी प्रोवाइड नहीं कर सकता? हाँ ना, तो बोल सकते हो या उसमें भी कुछ लग रहा है? कर सकते हैं परमेश्वर, लेकिन फिर भी वहां पे ऐसा क्यों था कि जो पानी था वो अब तक उनको कड़वा ही मिल रहा था, अब तक उनको मीठे पानी का सोता नहीं मिला था? समझ पा रहे हो मेरी बात को कि जो परमेश्वर इतने बड़े लाल समंदर को दो भाग कर सकता है, क्या वो अपने लोगों को मीठा पानी नहीं दे सकता? हाँ दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, और उसने दिया भी। लेकिन जब परमेश्वर अपने लोगों को लेके चलता है तो उनके साथ साथ एक योजना को लेके चलता है, उनके साथ एक पर्पस को लेके चलता है, और हर मोमेंट पे उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है कि इस बात से तुम इस शिक्षा को लो, इस बात से तुम इस बात को समझो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा ले और उसको उस पानी में फेंक दे, उस लकड़ी के टुकड़े को फेंकने से वो पानी क्या हो जाएगा? पानी मीठा हो जाएगा। मेरे साथ निकालिए निर्गमन 15 उसका 24 और 25। पढ़ना है के पास लीजिए। निर्गमन 15:24-25। पढ़े? हाँ जी। निर्गमन 15 उसका 24 और 25 में लिखा है, तब वे कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे? परमेश्वर ने उनको बोला कि एक लकड़ी का टुकड़ा, अगर इंग्लिश में पढ़े तो वहाँ पे वुड लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में पौधा लिखा है, इंग्लिश में वुड लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने टुकड़ा लिया, ठीक है, पौधा जो होता है, पौधे की अगर तनी देखो तो वो लकड़ी होती है एक तरीके से, ठीक है। तो उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा लिया या पौधा लिया, पानी में डाला और पानी क्या हुआ? शुद्ध हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है, वो है वुड या कह सकते हैं प्लांट, ठीक है।
इसी के द्वारा जो था वो पानी क्या हुआ, शुद्ध हो गया। ठीक है जी, वुड से आप क्या समझते, लकड़ी से आप क्या समझते बताओ। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप लोग सीखोगे, आपको मजा आएगा इस चीज में कि लकड़ी से हम लोग क्या समझते हैं। बाइबल में भी लकड़ी क्या बता, मैं कोशिश करती हूँ कि बाइबल लकड़ी का मतलब जैसे प्रभु यीशु मसीह को लकड़ी पे क्रूस पे टंगा दिया, मतलब जो श्रापित होते हैं उनको लकड़ी पे टांगा जाता है, तो ये मतलब, लेकिन पानी में डालने का मतलब मुझे नहीं पता, बस ये। ठीक है, और कोई? लकड़ी का मतलब प्रभु यीशु मसीह था। ठीक है, लकड़ी का मतलब प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु चाहे किस मर्जी से अपनी महिमा ले सकता है, किसी भी चीज से अपनी महिमा ले सकता है। ठीक है, और कुछ? क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, थोड़ा कोशिश करो। सॉरी, समझ नहीं आया, दोबारा बताइए। लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, इसलिए खुदावन ने इसके लिए कश्ती बनाई लकड़ी। ठीक है, लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, लकड़ी की कश्ती बनाई गई थी जब तूफान नूह से पहले खुदा ने हुक्म दिया था, क्योंकि आप बहुत दूर चले गए, आप आंटी बहुत दूर चले गए। और कुछ, और कुछ? एक आंसर और फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो एक आंसर और मैं बताऊं? हाँ जी बिल्कुल बताइए। मैं मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि परमेश्वर ने वो लाठी जो पानी में डालने के लिए बोला, या जो पौधा है वो डालने के लिए बोला, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा का तुम पालन करो, ऐसा करके रहोगे, आज्ञा पालन करना सिखाया होगा सर। आज्ञा पालन करना सिखाया है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलो आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, सारे सब यीशु मसीह को जानते हैं, ये जानते हैं ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रूस, क्रूस। हाँ जी, मैं ये बोलने वाली थी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैंने बता दिया, अब मेरी सुन लीजिए। ठीक है, चलो ये है क्रूस। क्रूस पे किसको टंगाया गया? यीशु मसीह को। ठीक है, यहाँ पे जो लकड़ी का टुकड़ा डालने का मतलब था उस खारे पानी को मीठा बनाने के लिए, वो ये था कि जिस काट पे, जिस लकड़ी पे यीशु मसीह टंगाया गया, जब वो हमारी जिंदगी में आया तो हमारी कड़वी जिंदगियां भी मीठी हो गई। अब तक जो हमारी जिंदगी में कड़वाहट थी वो किसी के प्यास बुझाने के काम नहीं आ रही थी, वो किसी को जीवन देने के काम नहीं आ रही थी, लेकिन द वेरी मोमेंट हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसकी सलीब पे विश्वास किया कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठा, तो जो लकड़ी जिसने यीशु मसीह को हमारे लिए नजात का कारण बना दिया, जब उस सलीब को हमने लिया, आपने गाना सुना होगा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, सुना है? अगर आप उसकी वीडियो देखो तो उसमें एक चीज है कि वो अपने क्रॉस को खुद उठा के चलता है, और मसीह का वचन कहता है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। पढ़िए आपने ये आयत, नए नियम में ये बात लिखी गई कि प्रतिदिन हमें अपना क्या उठाना है, क्रूस उठाना है। क्रूस कमाए किससे बनता है? लकड़ी से। प्रतिदिन अपना बोझ उठाना है, प्रतिदिन हमें अपनी जिंदगी की कड़वाहटों को उठा के दूर फेंकना है और परमेश्वर की मिठास को अपनी जिंदगी में लेना है, ताकि जैसे मूसा के समय में जब उस लकड़ी को फेंके जाने से, सिर्फ उस पानी के अंदर लकड़ी को डाला था, कोई मंत्र नहीं फूका, कोई मसाला नहीं दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उस लकड़ी को उस पानी के अंदर फेंका और पानी मीठा हो गया, पानी प्यास बुझाने के काम आया, पानी जिंदगी देने के काम आया। वैसे ही जब मसीह का लकड़ी हमारी जिंदगी में काम करती है, जब हम अपने क्रूस को उठा के चलते हैं, तो हम भी बहुतों की प्यास बुझाने के काम आते हैं, हम भी बहुतों को जीवन देने के काम आते हैं, और हमारे द्वारा बहुत सी रूहें बचाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी भी एक समय बहुत ही ज्यादा कड़वी थी,
हमारे मुंह से अच्छे शब्द नहीं निकलते थे, हम अपनी जिंदगी में बहुत सी ज्यादा कड़वाहटों को रखते थे, हम अपने दिल में बहुत ज्यादा ढा को जलन को रखते थे। लेकिन जिस क्षण यीशु मसीह के बारे में हमने जाना कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा है कि जिसने हमारे लिए अपनी जान को दिया, हमारे लिए उसने सलीब को सहा, तो वो सलीब जिसने उसको टंगाए रखा हमारे छुटकारे के लिए, जब हमने उस छुटकारे को लिया तो हमारी जिंदगियां मिठास से भर गई और हम अब बहुतों के जीवन को बचाने का काम करते। समझ में आया इतना? समझ में आया इतना? ठीक है, एक पॉइंट और इसमें हम ऐड करते हैं कि परमेश्वर यहाँ पे उनको एक बात सिखाना चाहता था। वो बात ये थी कि जो शख्स तुम्हारे पानी को मीठा कर सकता है, क्या वो तुम्हारी जिंदगियों को मीठा नहीं कर सकता? अगर तुम उस पे विश्वास करोगे, लकड़ी फेंकने के द्वारा, लकड़ी फेंकना कोई फेंकना सिर्फ परमेश्वर ने मूसा को बोला कि तू ये लकड़ी फेंक दे, तू ये प्लांट फेंक दे और पानी मीठा हो जाएगा। मूसा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लकड़ी लाया, उसमें फेंक दिया और पानी मीठा हो गया। ये एक टीचिंग है कि जैसा परमेश्वर बोलता है अगर हम वैसा करेंगे तो परमेश्वर भी अपने वादों को हमारी जिंदगी में पूरा करने की ताकत रखता है। उसने कोई क्वेश्चनिंग नहीं करी, उसने जैसा परमेश्वर ने जैसा बोला मूसा ने वैसा कर दिया। और यहाँ पे परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि जो मेरी बात मानने से, सिर्फ मेरी बात मानने से अगर मैं तुम्हारे पानी को मीठा कर सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे शरीरों को चंगा नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हारे दुख तकलीफों को नहीं छुड़ा सकता? क्या तुम्हें गरीबी से हटा नहीं सकता? क्या तुम्हारी जिंदगी को प्रॉस्पर नहीं कर सकता? तुम्हारी जिंदगी में मैं क्या कुछ नहीं कर सकता अगर तुम मेरी बात मानो तो? अब इसी का निर्गमन 15 का 26 पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैं मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं इंग्लिश में लिखा है आई एम द लॉर्ड हू हील्स, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। कब चंगा करने वाला है? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसकी विधियों पर चलेंगे, जब हम उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करके चलेंगे, बिना क्वेश्चन करे जैसा उसने बोला एज इट इज करने की ठानेंगे, तब वो परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। समझ पा रहे हो? आज बहुत से लोग इस जिंदगी में बीमारी क्यों काम करते हैं? पहला रीजन, परमेश्वर ने बोला मैं तेरा चंगा करने वाला हूँ, तेरे को दवाई चंगा नहीं कर सकती।